हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटो डायोड। तो फोटो डायोड बेसिकली हमारे पास एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमने एलईडी में भी बताया था क्या होता है, क्योंकि एलईडी भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है एक। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जिसके अंदर लाइट की इन्वॉल्वमेंट होती है। और फोटो डायोड की अगर वर्किंग की बात करें तो ठीक ये एलईडी से अपोजिट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फोटो डायोड इज इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इन विच करंट कैरियर आर जनरेटेड बाय फोटोन्स। मीन्स जो फोटो डायोड है वो एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं या करंट कैरियर्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो जनरेट किसके कारण होते हैं? फोटोन्स के कारण, थ्रू फोटोन एक्साइटेशन। तो यहां पे जो चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं किसके कारण? फोटॉन्स के कारण जनरेट होते हैं या फिर फोटोन की एक्साइटेशन के कारण, ये हम इसकी वर्किंग में देखेंगे। उसके बाद फोटो कंडक्टर बाय लाइट। फोटो कंडक्टर बाय लाइट, फोटो कंडक्टर क्या होता है? फोटो कंडक्टर एक ऐसा सेमी कंडक्टर होता है जिसके ऊपर हम अगर लाइट एनर्जी डालते हैं तो वहां पे चार्ज कैरियर जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फोटो कंडक्टर। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, इट इज पीएन जंक्शन डायोड एट विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और बेसिकली जो फोटो डायोड है ये रिवर्स बायस के अंदर काम करता है। तो ये चीज भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड। फोटो डायोड किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस रहता है? तो इसका जो प्रिंसिपल होता है इसमें क्या करते हैं, हमारे पास फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर होता है जिसके ऊपर हम कुछ लाइट फोल्ड करते हैं, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर डालेंगे तो उस फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर में कुछ चार्ज कैरियर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। चार्ज कैरियर्स बोले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। वो इलेक्ट्रॉन और होल्स कब जनरेट होंगे? जब कुछ सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर फोल्ड की जाएगी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे मतलब है जो एच न्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए यहाँ पे फॉरबिडन गैप से या एनर्जी बैंड गैप से, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है उससे ज्यादा एनर्जी की लाइट हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे द फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टर इन विच चार्ज कैरियर कैन बी जनरेट। चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं किसमें? फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टर में बाय फॉलिंग ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट हम किसी फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर के ऊपर फॉल करते हैं तो वहां पे कुछ चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज कैरियर का प्रोड्यूस होने का जो फिनोमिना है इन फोटो कंडक्टर इज नोन एज फोटो कंडक्शन। मीन्स जब किसी फोटो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं उस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो कंडक्शन। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। फोटो डायोड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? तो नॉर्मली हम एक पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड, और यहां पे हम कुछ लाइट इस पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर इंसिडेंट करते हुए और दिखा देंगे। ये लाइट इस पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर फॉल हो रही है, ये क्या हो जाएगा? इसका बेसिक सिंबल हो जाएगा फोटो डायोड का। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की और इसकी वर्किंग की, वो हम देखेंगे अगले सेक्शन में। उसके बाद बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन से पहले इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रहता है, जो फोटो डायोड है उसको हम फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं, लाइट डिटेक्टर भी उसको बोला जाता है, और फोटो सेंसर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है या इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम बेसिकली देखें तो हमने क्या लिया है, एक पीएन जंक्शन डायोड लिया है। ये हमारे पास पी टाइप और ये एन टाइप है, दोनों को हमने एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया। तो ये बीच में डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर इसमें थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि हमने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है, और यहाँ पे हमने एक माइक्रो एमिटर कनेक्ट किया, और यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आर हो गया। माइक्रो एमिटर क्या काम करेगा? अगर इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में भी करंट फ्लो होता तो उस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमने माइक्रो एमिटर लगाया। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ए फोटो डायोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है जो किससे मिलके बना है? फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बना है। और नेक्स्ट पॉइंट, इट कवर विद ट्रांसपेरेंट विंडो। इसके चारों ओर यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगा दी जाती है ताकि इसके अंदर से जो फोटोन है या जो लाइट है वो इजिली क्या हो सके, पास हो सके।
ट्रांसपेरेंट विंडो इज मेड टू अलाउ टू फॉल लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट, ताकि जो लाइट है वो इसके ऊपर आराम से डाली जा सके सुटेबल फ्रीक्वेंसी की। उसके बाद बता रखा है ये किसमें रिवर्स बायस के अंदर ये ऑपरेट करता है। तो अब यहां पे इसका वर्किंग देखते हैं, वर्किंग में क्या होगा। तो जैसे ही हम यहां पे इस पीएन जंक्शन डायोड पे लाइट डालेंगे, तो लाइट डालेंगे तो क्या होगा, यहां पे डिप्लीशन लेयर के ऊपर लाइट गिरेगी। डिप्लीशन लेयर में क्या है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इसको हम जंक्शन फील्ड बोलेंगे, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां पे डिप्लीशन लेयर में हमारे पास न्यूट्रल एटम है, बहुत सारे न्यूट्रल एटम होंगे यहां पे। ये डिप्लीशन लेयर के अंदर हमने यहां पे न्यूट्रल एटम बना, ये मान लिए ये न्यूट्रल एटम है। तो जब किसी न्यूट्रल एटम के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल होगी, कंडीशन क्या है लाइट फॉल होने की, कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो एनर्जी है वो बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पे हमने मान लिया ये जो सेमीकंडक्टर है हमारे पास सिलिकॉन का है, तो सिलिकॉन के में हमारे पास आउटरमोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे हम कुछ सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर फॉल करेंगे, तो जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पे फॉल की जाएगी, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को गेन करेगा, और गेन करने के बाद इस एटम से बाहर आ जाएगा, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएगा। सेम एज इट इज यहां पे भी यही होगा, ये जो न्यूट्रल एटम है इसके ऊपर हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे, तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो न्यूट्रल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ जाएगा, और बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, होल। तो यहां पे चार्ज कैरियर्स जनरेट हो जाएंगे, चार्ज कैरियर्स होंगे यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स, और बेसिकली वो अपने अलग अलग डायरेक्शन में, हमने यहां पे इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है, तो क्या होगा जो होल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। तो यहां पे जो माइक्रो एमीटर है वो यहां पे कुछ रीडिंग शो करेगा। उसके बाद यहां पे एक केस और होता है, मान लेते हैं हम यहां पे इनिशियली कोई भी लाइट नहीं फॉल कर रही, तो यहां पे हम कोई लाइट फॉल नहीं करेंगे, तो सर्किट के अंदर माइक्रो एमीटर फिर भी कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा। फिर वो करंट कैसे फ्लो होगा, वो करंट फ्लो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, जिसको हम लीकेज करंट भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन नो लाइट इंसिडेंट ऑन द जंक्शन, जब हम जंक्शन के ऊपर कोई भी लाइट नहीं डालेंगे, ड्यू टू द मोमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन वेरी स्मॉल करंट इज फ्लो, मीन्स जब कोई भी लाइट नहीं डालेंगे तो जंक्शन के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जंक्शन के अंदर कुछ करंट फ्लो होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्क करंट, या फिर लीकेज करंट भी हम उसको बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फोटोडायोड की वर्किंग के ऊपर। तो जो वर्किंग है, When visible light of energy greater than forbidden gap की जगह हम यहाँ पे energy band gap भी यूज कर सकते हैं, मीन्स हम जो incident light डाल रहे हैं उस semiconductor के ऊपर या PN junction diode के ऊपर, तो वहां पे एक ही condition है, जो h nu है वो greater than होना चाहिए, उसके Eg band gap से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये condition satisfy करेगी तो ही हमारे charge carriers वहां पे generate करेंगे। तो इस पॉइंट में यही है, व्हेन विजिबल लाइट ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन फॉरबिडन गैप, या फिर एनर्जी बैंड गैप एच न्यू ग्रेटर देन है ईजी से, इज इंसिडेंट ऑन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, मींस जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड है उसके ऊपर हम जो विजिबल लाइट डाल रहे हैं उसकी कंडीशन क्या बता रखी है, जो एनर्जी हो कितनी होनी चाहिए, एच न्यू ग्रेटर देन ईजी से होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहां पे पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो डिप्लीशन लेयर है उसके अंदर चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे। चार्ज कैरियर्स जनरेट कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का एक पेयर वहां पे जनरेट होगा, किसके अंदर, डिप्लीशन लेयर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दी चार्ज कैरियर्स विल बी सेपरेट बाय द जंक्शन फील्ड, तो ये जो चार्ज कैरियर्स हैं वो किसके कारण अलग अलग हो जाएंगे, जो जंक्शन फील्ड बना हुआ है उसके कारण ये अलग हो जाएंगे, और अक्रॉस द जंक्शन ये क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मीन्स हमारे पास ये जो चार्ज कैरियर्स है, मान लिए यहाँ पे जो एक होल्स है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इसको हमने रिवर्स वाइस में कनेक्ट किया है, तो ये होल्स किस तरफ मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जंक्शन फील्ड के अपोजिट, होल्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इस तरफ चार्ज है नेगेटिव, तो होल्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट चार्ज के डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दी चार्ज कैरियर्स विल बी सेपरेट बाय जंक्शन फील्ड, जंक्शन फील्ड क्या करेगा, उन चार्ज कैरियर को सेपरेट कर देगा
टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, और चार्ज कैरियर्स उस जंक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी रीजन से उस सर्किट के अंदर जो रिवर्स करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब जो रिवर्स सैचुरेशन करंट सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है वो मेनली डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। अगर मैं लाइट कम इंटेंसिटी की उसके ऊपर फ्लो करवाऊंगा तो कम चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे, कम चार्ज कैरियर जनरेट होंगे तो वहां पे कम करंट प्रोड्यूस होगा। अगर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करवाता हूं तो वहां पे ज्यादा चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही है, द वैल्यू ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज। अगर हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो हमें वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट उसके ऊपर फॉल करनी पड़ेगी, या फिर हम यहां से बोल सकते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवर्स सैचुरेशन करंट के। जितना हम ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट उसके ऊपर फॉल करवाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा। ये था वर्किंग फोटोडायोड का। उसके बाद हम बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड। तो हमें पता है जो फोटोडायोड है वो रिवर्स बायस के अंदर काम करता है। तो इनिशियली इसके अंदर क्या था, जब हमें कोई भी लाइट इसके ऊपर फॉल नहीं की थी तो इसके अंदर बिल्कुल माइनॉरिटी में कुछ करंट फ्लो हो रहा था, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल माइनॉरिटी में करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे डार्क करंट, डार्क करंट। उसके बाद हमने कुछ लाइट कुछ इंटेंसिटी की, मान ली आई वन इंटेंसिटी की लाइट हमने इस सेमीकंडक्टर के उस पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर फॉल की, तो कुछ लाइट फॉल करेंगे तो यहां पे कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी थी लाइट की, आई वन इंटेंसिटी थी। अब मान लिया हमने इंटेंसिटी थोड़ा सा और इंक्रीज कर दी, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो लाइट की रिवर्स सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आई टू के लिए आ गया, आई टू इंटेंसिटी के लिए। अब मान लिया हम यहां पे थोड़ा सा इंटेंसिटी और इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू हो वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगा आई थ्री। तो यहां पे जो आई थ्री इंटेंसिटी का जो करंट है वो ज्यादा होगा आई टू से और सबसे कम होगा आई वन, सबसे कम आई वन इंटेंसिटी का, फिर आई टू इंटेंसिटी का, उससे ज्यादा होगा थर्ड आई थ्री इंटेंसिटी का करंट सबसे ज्यादा होगा। ये था वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्या क्या एप्लीकेशन है फोटोडायोड की, फोटोडायोड का यूज हम कहां कहां करते हैं। बेसिकली फोटोडायोड का यूज हम फोटो सेंसर के रूप में करते हैं, लाइट डिटेक्टर में भी हम यूज करते हैं, फोटो डिटेक्टर में भी हम इसका यूज करते हैं। तो फोटोडायोड इज यूज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्मोक डिटेक्टर में भी हम इसका यूज करते हैं। और थर्ड में क्या बता रखा है, स्विचिंग ऑफ लाइट ऑन एंड ऑफ, लाइट को ऑन और ऑफ करने के लिए भी हम फोटोडायोड का यूज करते हैं। तो ये था फोटोडायोड। आई होप इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग और इसकी जो एप्लीकेशन है और इसका प्रिंसिपल आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।